हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग, यानी कि टैग ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट हैरी। तो दोस्तों, वैसे तो हम अपनी गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे गैजेट्स यूज़ करते हैं। उनमें से सबसे फेमस है ये सेंटर लॉकिंग। उसके अलावा गियर लॉक भी हो सकता है, क्लच लॉक भी हो सकता है और स्टीयरिंग व्हील लॉक भी हो सकता है, जिससे आप अपनी गाड़ी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं चोरों से। तो मेरा आज का वीडियो कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये गाड़ी चोरी होने से बचने के लिए है तो है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बैटरी कार चोरी को बचाने के लिए। दोस्तों, आज का टाइम ऐसा टाइम आ गया है कि हमारे पास स्पेस बहुत कम है, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में और अलग अलग सिटीज़ में हम देखते हैं कि गाड़ियाँ रात भर बाहर खड़ी रहती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कार की बैटरी चोरी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मेरा एक आज ऐसा रामबाण है, ऐसा एक तरीका है जो आप यूज़ करके अपनी कार की बैटरी को चोरी होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास रेड्स है, तो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से ऑटोकॉप की सेंट्रल लॉकिंग आती है। सेंट्रल लॉकिंग वैसे तो जो नॉर्मली हम देखते हैं उसमें ये होता है कि चारों डोर्स सेंट्रल लॉकिंग के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर कोई भी इसको खोलने की कोशिश करता है तो गाड़ी सायरन क्रिएट करेगी, सायरन बजेगा, आप अलर्ट हो जाओगे। आजकल की कार्स में आपका जो बूट है, जो डिक्की है, वो भी अटैच्ड होती है। अगर उससे भी कोई छेड़छाड़ करता है तो वो आपको अलर्ट कर देता है। लेकिन कंपनीज़ आपकी गाड़ी का जो हुड है, या जिसको हम बोनेट भी कह देते हैं, उसको कनेक्ट नहीं करती। तो अगर हम अपने हुड को कनेक्ट कर दें सेंट्रल लॉकिंग के साथ, तो बड़े इजीली अगर कोई भी चोर आपके हुड को बाय एनी अनएथिकल वे, मतलब किसी भी इल्लीगल तरीके से खोलेगा, तो वो आपको अलर्ट ज़रूर करेगी, जिससे आप अपने बैटरी के कार की बैटरी चोरी होने से आप अपनी कार को बचा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी के बाहर। तो मैं अपनी गाड़ी को कर देता हूँ सबसे पहले लॉक। मैंने एक शीशा खोल रखा है ताकि मैं अपने हुड को खोल सकूँ। तो ये मैं हुड को खोल दिया है मैंने इस टाइम। तो जैसे कि कोई भी चोर या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि हुड को किसी भी अनएथिकल वे से, किसी इल्लीगल तरीके से खोलेगा, वो तरीके अलग हैं, कभी फिर किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही वो खोलेगा तो ये सायरन बजना शुरू हो जाएगा, आपकी सेंटर लॉकिंग आपको अलर्ट कर देगी। जी हाँ, देखा आपने, तो ऐसे आप अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं कार चोरों से। जैसे ही मैंने बोनट खोला तो उसी टाइम सायरन ऑन हो गया और आप अलर्ट हो जाओगे, इतनी देर में वो चोर आपकी गाड़ी को छोड़कर भाग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपने इस वीडियो में देखा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो आप अगर इस पूरे सेटअप को जानना चाहते हैं कि ये सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाए आपकी गाड़ी में, आप अगली वीडियो को देख सकते हैं कैसे ये आप इंस्टॉल कर सकते हैं ये सिस्टम अपनी गाड़ी में। इसकी कॉस्ट सिर्फ 50 से 100 रुपये लगेगी, जिससे आपकी कार की बैटरी पूरी तरह से सेफ हो जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ये कैसे करना है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि वो बैटरी चोरी से बच सकें। क्योंकि आपको पता है कि बैटरी की कॉस्ट कितनी होती है, काफ़ी कॉस्टली बैटरी इस टाइम पड़ती है एक गाड़ी में। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।